हेलो, आज मैं आप सबको एक मतलब इतना भी कुछ खास नहीं है, बट या आज मैंने सोचा था कि मैं भाजी बनाऊंगी, जो हम बाहर भाजी पाव खाते हैं ना, उसकी भाजी पाव। तो मैं अवॉइड कर रही हूँ बिकॉज आई एम ऑन डाइट, सो मैदा मैं नहीं खाती, भाजी ही खाऊंगी सिर्फ। उसके अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, सो इट्स वेरी हेल्दी। एंड अभी मैं बना रही हूँ तो मैं आपको वो दिखाऊँगी कि मैंने उसमें किस तरीके से बहुत कम ऑयल यूज़ किया है कि मैं डाइट में भी वो खा सकूँ और मेरा वेट गेन भी ना हो। सो देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ, ठीक है। अभी मैं बना रही हूँ भाजी, जो हम बाहर खाते हैं ना भाजी पाव, उसकी भाजी। ये छोटी वाली एक चम्मच ऑयल लिया था मैंने, बस उसमें ही अब मैं ये बनाऊंगी बिकॉज आई एम ऑन डाइट, सो डाइट भाजी बनाऊंगी। इसमें मैंने डाला है जीरा, हींग, हल्दी एंड उसके बाद मैंने उसके अंदर ऑनियन एंड कैप्सिकम डाला है। ये है टमेटो मैश्ड एंड ये है सब वेजिटेबल्स जो बॉयल किए हुए रहते हैं, उसको भी मैंने मैश कर दिया है। और ये थोड़ी देर के बाद हम इसके अंदर टोमेटो डाल देंगे। तो विदाउट ऑयल भी सब कुछ बन सकता है, ऐसा नहीं कि ऑयल डालना ज़रूरी है। सो अब अच्छे से पक गए हैं कैप्सिकम एंड ऑनियन, तो अब इसके अंदर मैं टोमेटो डाल दूंगी। मैश्ड टोमेटो है, टोमेटो प्यूरी के बिना कुछ भी नहीं बनता। तो अब इसके अंदर मैंने टमेटो डाल दिए हैं पकने। मैं जो भी डाइट रेसिपीज़ बनाती हूँ ना, वो एकदम टेस्टी होती है बिकॉज मैं मतलब वो फीका सूखा मैं नहीं खा सकती, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको टेस्टी बनाती हूँ ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मैं डाइट कर रही हूँ। लेकिन मैं मेक श्योर करती हूँ कि उसके अंदर फैट बहुत कम हो। सो अभी इसके अंदर मैंने टमेटो डाल दिए, इसका पानी थोड़ा जल जाएगा, उसके बाद हम ये मसाला डालेंगे। ये मसाला एक्चुअली क्या है पता है, नॉर्मल मिर्च पाउडर नहीं है, ये लहसुन जो होता है, लहसुन को क्रश करके, गार्लिक जो होता है उसको क्रश करके उसके अंदर मिर्च पाउडर मिलाते हैं, ये वो मसाला है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सिखाया था। ये हम यूज़ करते हैं, मेरे ससुराल में यही मसाला यूज़ करते हैं, गार्लिक वाला मिर्च पाउडर। अभी इसका जब पानी जल जाता है तब इसके अंदर हम ये डाल देते हैं मिर्च पाउडर। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद हम सारे वेजिटेबल्स डाल देंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, फ्लावर एंड पटेटो है, और इसको सबको हमने साथ में बॉईल कर दिया था और मैश कर दिया है। ये मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब इसके अंदर हम डालेंगे ये भाजी। अब इसके अंदर हम डालेंगे एवरेस्ट का भाजी मसाला, जो भाजी पाव मसाला आता है वो, एंड नमक एंड धनिया पाउडर। पहले हम धनिया पाउडर डाल देते हैं, उसके बाद नमक, ठीक है, उसके बाद मैं टेस्ट करके इसमें अंदर नमक डालूंगी, नींबू डालूंगी एंड भाजी पाव मसाला डालूंगी, या पाव भाजी मसाला, सो ये इसके अंदर डालूंगी। एंड अब इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। इसके अंदर मैंने नमक डाला है, धनिया पाउडर डाला है एंड भाजी पाव मसाला डाला है, सो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर नमक टेस्ट करने के बाद अब इसके अंदर हम नींबू डालेंगे, अब इसको टेस्ट करेंगे। सो ये बिल्कुल गिल्ट फ्री भाजी रेडी है। इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, बहुत कम, मतलब एक स्पून इतना ऑयल है। इसके अंदर कोई फैट नहीं है, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ
मसाले में नमक, धनिया, हल्दी, मिर्च पाउडर और नींबू है, सिर्फ और सिर्फ इतना। हाँ, सो ये थी हमारी भाजी जो रेडी हो चुकी है, और ये आप चपाती पराठा के साथ खा सकते हो, व्हीट ब्रेड के साथ भी खा सकते हो, लेकिन अगर आप डाइट कर रहे हो देन अवॉइड मैदा, मैदा आप अवॉइड करो। बाकी आप जो आपका मन करे आप खा सकते हो डाइट में, लेकिन मेक श्योर कि मैदा, शुगर एंड राइस ना हो, जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं और जो आपको बहुत ज़्यादा फैट बनाते हैं। सो दिस इज़ अल्टीमेट डाइट भाजी, मैं ये पूरा बाउल भर के खाने वाली हूँ। एंड आप भी घर पे ट्राई करके आप भी अच्छे से खाइए, वेजिटेबल्स सारे आ जाएंगे इसके अंदर। ओके, बाय, सी या।